कहानी खत्म, पैसा हजम, हुकूमती झूठे दावों का पोल खुल गया, पेट्रोल महंगा होगा तो डॉलर नीचे आएगा, चीज़ें सस्ती होंगी, लेकिन यहाँ तो उलट ही हो गया, मिफ्ता इस्माइल का चूरन ना बिक सका। महंगाई का सुनामी हुकूमती झूठे दावे अपने साथ बहा ले गया। मसनूई तरीके से काबू किए जाने वाले डॉलर ने एक बार फिर रुपया को फटका मारा तो वो ज़मीन पर धड़म से आ गिरा और डॉलर एक बार फिर आसमान की बुलंदियों को छूने लगा। ओपन मार्केट में डॉलर ने डबल सेंचुरी कर ली। डॉलर को देखा देखी स्टॉक मार्केट पर भी मंदी के बादल छा गए। गैर यकीनी सूरत हाल देख कर सरमायाकार भी दो घबरा गए। डॉलर महंगा होने से सोने की कीमत को पड़ लग गए। एक तोला सोने की कीमत में 2,800 रुपए का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक तोला सोना 1,42,000 रुपए के सतह पर पहुंच गया। इतना कुछ होने के बाद भी वजीर खजाना को चैन ना आया। मिफ्ता इस्माइल ने ट्विटर पर बयान में कहा कि पेट्रोल की कीमत में दो बार इजाफा करने के बाद हम इक्तसादी बहरान से बाहर निकल आए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुआशी इमरजेंसी नाफिज करने का कोई इरादा नहीं। पीटीआई रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर उमर अयूब ने इनके करतूतों से पर्दा हटाते हुए कहा कि हुकूमत रवा माह पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा करेगी। साबिक तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम बोले, हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ्ते डॉलर को रोकने की कोशिश की और इसीलिए पेट्रोल और बिजली की कीमत बढ़ाई है। मुल्क में महंगाई का तूफान आने वाला है। महंगा तरीन साल शुरू होने को है जिसमें महंगाई 30% तक पहुँच जाएगी। फरुख हबीब भी हुकूमत पर बरस पड़े, कहा पेट्रोल पर 60 रुपए बढ़ा दिए, अब मियां साहब के दिल में दर्द नहीं हुआ। सेनेट में अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत की आवाम पर मुआशी गोलाबारी जारी है। ओगरा ने गैस की कीमत 45% फिर बढ़ा दी है, जबकि अभी पेट्रोल की बूस्टर डोज बाकी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।